Hi friends, this is Kavya and welcome to my channel famousdishes.in. आज हम बना रहे हैं मेरी मॉम की स्पेशल एग करी. आइए चेक करते हैं उसकी इंग्रेडिएंट्स, उसके बाद उसकी रेसिपी. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. यहाँ मैं ले रही हूँ 4 उबला अंडा जिसे मैंने क्लीन कर दिया है. उसके बाद हम लेंगे अदरक कटा हुआ, 2 से 3 कलियां लहसुन, 1 हरी मिर्च कटी हुई, थोड़ा सा ज़ीरा लेंगे, आधा चम्मच बड़ी सौंफ लेंगे और कुछ कड़ी पत्ता. मैंने लिया 1 बड़ा प्याज कटा हुआ, 1 बड़ा टमाटर कटा हुआ, 1 कप में ले रही हूँ ग्रेटेड कोकोनट, नारियल फ्रेशली ग्रेटेड कोकोनट है, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, थोड़ा सा मैं गरम मसाला ले रही हूँ 1/4 चम्मच, आधा चम्मच मैं हल्दी पाउडर ले रही हूँ, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और धनिया कटा हुआ. आइए स्टार्ट करते हैं हमारी रेसिपी. सबसे पहले कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा तेल लिया है, उसमें हम डालेंगे प्याज और उसे अच्छे से एक गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे. प्याज अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे. अभी इसी कढ़ाई में हम नारियल डालेंगे और उसे लो फ्लेम में अच्छे से भून लेंगे. हमें नारियल को ब्राउन नहीं करना है, बस उसका जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो निकल जाए और एक अच्छी खुशबू आने लग जाए, तब तक ही आपको रोस्ट करना है और लो फ्लेम में रोस्ट करना है. इसके साथ मैं डालूंगी कटा हुआ अदरक, 2 से 3 कलियां लहसुन और कटी हुई हरी मिर्च. इन सबको अच्छे से भून लीजिए ताकि इसका जो कच्चापन है, हमें कच्चापन निकालना है ताकि अच्छी खुशबू आए. थोड़ा सा ज़ीरा और बड़ी सौंफ डाल रही हूँ. इसे लगातार हमें स्टियर करते रहना है ताकि ये जल ना जाए. अब इसका कच्चापन सब चला गया है, अच्छी सी खुशबू आ रही है. अब मैं इसमें डालूँगी सूखे मसाले, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और सबको इसी तरह फिर से भूनना है. आपको ये धीमी आंच पे ही करना है और लगातार फ्राई करते रहना है. मसाला अच्छे से भून चुका है, उसकी भी एक अच्छी खुशबू आ रही है. अब जो हमने प्याज फ्राई किया था मैं वो डाल रही हूँ, वो भी हम इसमें एक बार भून लेंगे एक साथ. हमारा मसाला बिल्कुल तैयार है. मैंने अभी फ्लेम को ऑफ कर दिया है और इसे एक प्लेट में निकाल लिया है. इसके साथ मैं एक बड़ा टमाटर भी डाल दूंगी और इन सबको थोड़ा सा ठंडा होने पर हम अच्छे से एक पेस्ट बना लेंगे जार में डाल के. इसके साथ मैंने नमक भी डाल दिया है, आप आपके स्वाद अनुसार नमक डालिए. अब मैं इसमें डालूंगी आधा ग्लास पानी और इसका एक फाइन पेस्ट बनाना है. एक अच्छा पेस्ट बन चुका है, बहुत ही स्मूथ और फाइन. अब हम करी बनाएंगे. अब इसी कढ़ाई में मैं वो जो हमने पेस्ट बनाया था वो डाल रही हूँ और जितना आपको पानी चाहिए करी के कंसिस्टेंसी के हिसाब से आप डाल सकते हैं. अब मैं इसमें डालूंगी कड़ी पत्ता. जैसे ही थोड़ा बॉईल होने लग जाएगा हम इसमें एग्स डालेंगे
एग्स के बीच में ऐसे कट्स करके आपको डालना है ताकि जो करी का फ्लेवर है एग्स में भी आ जाए। अच्छे से बॉईल होना चाहिए करी को ताकि उसका सारा जो जूस है और फ्लेवर है वो एग में आ जाए। एक बार आप नमक भी चेक कर लीजिए, अगर नमक आपको और थोड़ा लगेगा तो आप डाल सकते हैं। अब मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा गरम मसाला, बहुत ही कम गरम मसाला डालना है, ज़्यादा नहीं तो बहुत ज़्यादा मसालेदार हो जाएगा। फिर मैं कटा हुआ धनिया डालूँगी और इसे अच्छे से एक बॉईल आ जाएगा। एक से दो मिनट हमें इसे बॉईल करना है। अच्छे से बॉईल हो चुका है हमारा करी, बिल्कुल तैयार है। अब मैं फ्लेम से हटा रही हूँ इसे और इसे हम करेंगे बगार, ऊपर से बगार देंगे, जिसके लिए मैंने थोड़ा सा तेल लिया है और उसमें मैंने कटा हुआ प्याज डाला है। इसे थोड़ा ब्राउन फ्राई करेंगे। अच्छे से ब्राउन हो चुका है अभी प्याज, अब मैं ऊपर से इसे बगार दे दूंगी। हमारा एग करी बिल्कुल तैयार है। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई हो। प्लीज़ ज़रूर आपके वैल्यूबल कमेंट शेयर कीजिए, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। इसी तरह हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू, बाय बाय।